भारतीय जनता पार्टी ने रामचरण बोहरा को एक बार फिर जयपुर शहर लोकसभा सीट से टिकट दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में बोहरा ने इस सीट पर देश की चौथी और प्रदेश की सबसे बड़ी जीत प्राप्त की थी। यही जीत भाजपा में टिकट मांग रहे एक दर्जन से अधिक दावेदारों पर भारी पड़ी और बोहरा एक बार फिर टिकट प्राप्त करने में कामयाब हो गए। अब बोहरा के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के इस गढ़ को बचाए रखने की है। साथ ही बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि बोहरा गायत्री देवी और गिरधारी लाल भार्गव का अजय रहने का रिकॉर्ड कायम रख पाएंगे या नहीं, या फिर एक से अधिक बार चुनाव लड़कर हार का सामना कर चुके सतीश चंद्र अग्रवाल, नवल किशोर शर्मा और महेश जोशी के क्लब में शामिल हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही जयपुर में रामचरण बोहरा का विरोध हो रहा था। कई विधायक भी बोहरा के खिलाफ थे। आखिर पार्टी ने बोहरा में ही विश्वास जताया और लगातार दूसरी बार टिकट थमा दिया है।